ये छोटा सा किचन और यहाँ से ये आप चेक करें, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। आपके पास अकोमोडेशन और आर्किटेक्चर के ऊपर इस खूबसूरत घर को कंप्लीट किया गया है। ये व्यू इस घर के कमरों का आप साइज़ चेक करें, बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पेशियस। हर वॉशरूम आपको प्रॉपर कंसील्ड प्लस टाइल्ड मिलेगा। ये आप चेक करें व्यूअर्स, ये आपके पास डबल हाइटेड सीलिंग वाला प्लस स्काई लाइट वाला मेन लिविंग एरिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त एक कनाल के प्रॉपर सिंगल यूनिट डिज़ाइनर हाउस का मैं विज़िट करवाऊंगा, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले अगर घर की लोकेशन आपके साथ डिस्कस करूँ तो इस घर की जो लोकेशन है वो है बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी, और एक कनाल के प्लॉट के ऊपर इस खूबसूरत घर को कंस्ट्रक्ट किया गया। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान और इसका जो खूबसूरत इंटीरियर है उसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके एलिवेशन को डिस्कस करें तो घर के लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, और घर का जो राइट साइड है उस पर फिलहाल प्लॉट वैकेंट है। तो एलिवेशन पर स्टोन टाइल्स का यूज़ भी किया गया, उसके अलावा दो डिफरेंट शेड्स में रॉक वॉल किया गया है, और जो एलिवेशन का कलर पैलेट है उसको जो मेन गेट है स्लाइड वाला उसके साथ मैचिंग में रखा गया है। मेन गेट के बिल्कुल बाहर टफ टाइलिंग की गई है, और यहाँ पे आपके पास स्ट्रीट का वॉकिंग रैंप भी अवेलेबल है। लेफ़्ट साइड पे घर का बड़े साइज़ का ग्रीन एरिया अवेलेबल है। उसके अलावा इस एरिया में, इस लोकेलिटी में गैस, बिजली, पानी सब कुछ अवेलेबल है। तो एक दफ़ा फिर से इसका आप खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देख लें। चलते हैं इसके पोर्च में। पार्किंग स्पेस बाहर रैंप के पे भी आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद ये आ जाते हैं हम इसके मेन सुपर स्पेशियस मेन कार पोर्च में। घर के अंदर ही आपको व्यूअर्स बड़े साइज़ का ग्रीन एरिया मिल जाता है, जहाँ पे भी आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये घर जो है लेफ़्ट साइड से, बैक साइड से और राइट साइड से थ्री साइडेड ओपन है। अब यहाँ पे आप अपनी तीन से चार गाड़ियाँ ईजिली एट द सेम टाइम अकोमोडेट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी की जो मोटर है वो फिक्स्ड है। उसके अलावा जो इनर वॉल्स हैं, थोड़ी सी जगह पे टाइल्स हैं, फर्दर वॉल्स पे आपके पास कंप्लीट रॉक वॉल किया गया है। फॉल सीलिंग बिल्कुल सिंपल रखा गया है। यहाँ पे फैन जो है वो मिसिंग है, उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इंटरनल जो घर के अंदर ग्रीन एरिया है उसका मैं थोड़ा सा व्यू करवा दूं, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ग्रीन एरिया जो है अवेलेबल है। इसको मज़ीद आप अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन रॉड्स हैं, और यहाँ पे फैंसी टाइलिंग की गई है, और उसके अलावा पोर्च में जो फ्लोरिंग है यहाँ पर मैट फिनिशिंग की कम्प्लीट डल टाइल्स का यूज़ किया गया है। अब घर के अंदर एंटर होने के लिए व्यूअर्स हमारे पास एक ही एंट्रेंस है, और यहाँ पे दो मार्बल के स्टेप्स हैं, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी का ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग में तैयार किया हुआ हमारे पास मेन सॉलिड डोर है। और यहाँ से हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें मिल जाती है व्यूअर्स एक छोटी सी एंट्रेंस लॉबी, और लेफ़्ट साइड से भी घर के अंदर एंट्रेंस का डोर अवेलेबल है, और जो फ्रंट का डोर है वो हमें मेन लिविंग में लेके जाएगा। यहाँ पे राइट साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग वाला इसका पाउडर रूम है, जिसको आप वॉशरूम भी कह सकते हैं। स्पेस इतनी ज़्यादा रखी गई है, पाउडर रूम 5-7 मरला के घरों में होते हैं। और यहाँ पे जो एंट्रेंस लॉबी है व्यूअर्स, यहाँ पे भी एक मोटिव का खूबसूरत टाइल जो है वो इंस्टॉल किया गया है। लेफ्ट साइड पे मेन स्विच बोर्ड आ जाता है, और अगर फॉल सीलिंग देखें तो खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है, और एक फैंसी शैंडलियर भी इंस्टॉल किया गया है। घर के हम अंदर एंटर होंगे व्यूअर्स इसके मेन डोर से। यहाँ पर अगेन हमारे पास एक मेन डोर है। जी तो व्यूअर्स, आ चुके हैं मेन डोर से घर के अंदर, और अंदर आते साथ ही व्यूअर्स आपके पास आ जाता है ये सुपर स्पेशियस, बहुत ही लेवल का, मज़े का, काफ़ी खूबसूरत कलर पैलेट के साथ डिज़ाइन किया हुआ एक डबल हाइटेड इसका मेन लिविंग एरिया। अब सबसे पहले मैं आपको इसका फ्लोर प्लान गाइड करूं तो एंट्रेंस लॉबी से जो हमारे पास स्पेस की एक्सेस ही, वहाँ पे ड्राइंग एरिया है, साथ डाइनिंग है। ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा मैसिव कैपेसिटी के साथ आ जाता है इसका मेन टीवी लाउंज। आपके पास काफ़ी बड़े साइज़ का जो एलईडी पैनल है विद रैक्स आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, घर से अंदर हम एंटर होते हैं तो एक लेफ़्ट साइड पे ग्राउंड पोर्शन पे छोटा सा स्टोर रूम या प्रेयर रूम भी उसको आप कह सकते हैं, वो अवेलेबल है। एक ड्राइंग रूम अवेलेबल है, उसका पाउडर बाहर हमारे पास जो है स्मॉल
पाउडर रूम वहाँ पे अवेलेबल है, और उसके अलावा एक डाइनिंग है। उसके अलावा जो एक मज़े की और एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इस घर में रखा गया है कि जो बेडरूम्स हैं वो आपके बिल्कुल सेपरेट एक साइड के ऊपर दो मास्टर साइज बेडरूम्स हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ा मतलब जितना 10 मरले का टीवी लाउंज होता है या 7 मरले का उतना इस घर में आपको किचन मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर तैयार किया हुआ एक कनाल का सुपर स्पेशियस लग्जरी इंटीरियर के साथ डिज़ाइन किया हुआ डिज़ाइनर हाउस है, जिसका मैं आपको कंप्लीट विज़िट करवाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं इस घर की आस्किंग प्राइस आपके साथ शेयर करूं, तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है ऑनर की तरफ से वो है 11 करोड़ रुपये। 11 करोड़ रुपीज़ जो है इस घर की आस्किंग प्राइस है, जो कि घर के ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। सबसे पहले हम इसका विज़िट करेंगे व्यूअर्स किचन, जिसकी डबल एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है। वुड प्लस ग्लास का एक शाइनी डोर है। उसके अलावा फ्लोरिंग पे जो टाइल्स हैं आप उसकी रिफ्लेक्शन चेक कर रहे होंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब के जो लेमिनेशन शीट्स हैं उसके साथ मैचिंग में। अच्छा, जो साइड स्ट्रीट है फ्रंट की, वहाँ से भी किचन की एक्सेस का डोर है। अगर आपका कोई मेड या सर्वेंट है, छत पे सर्वेंट रूम विद वॉशरूम अवेलेबल है। बैक साइड पे स्पाइरल स्टेयर्स हैं, वहाँ से एक्सेस लेके यहाँ से एंटर होके आपको सर्विंग कर सकता है। सिग्नेचर कंपनी का आपके पास रेफ्रिजरेटर भी है, और आपके पास इलेक्ट्रिक हुड और बर्नर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हैं। यहाँ पे आपको ओवन प्लस ग्रिल बेकर मिल जाता है। अब जो अपर आपके पास लेमिनेशन शीट्स हैं उनका कलर जो है पैलेट वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो आपके पास काउंटर टॉप है ये कोरियन का है। यहाँ पे आपको जो टाइल है वो ज़िगज़ैग फिनिशिंग में एक डिफरेंट पैटर्न की टाइल मिल जाती है। आपका जो वॉश बेसन है, वॉश एरिया जो है वो एक कम्प्लीटली साइड पे है, इसका फेस साइड स्ट्रीट की तरफ है। ऊपर आपको बेस्ट कंपनी का मिल जाता है एग्जॉस्ट फैन, और ये एक कॉर्नर के एंगल से आपको मिल जाता है इस खूबसूरत डबल साइडेड किचन का व्यू। यहाँ पे पेनेट्री रैक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जिस बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी के जिस सेक्टर में, जिस ब्लॉक में घर अवेलेबल है, प्रॉपर सिक्योरिटी के बैरियर्स लगे हुए हैं इस सेक्टर में। और उसके अलावा मस्जिद आपके पास 2 से 3 मिनट की वॉक पे अवेलेबल है, जो मिनी कमर्शियल है वो भी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे है। अब किचन से आप एग्जिट करते हैं तो ऊपर आप स्काई लाइट का ऑप्शन देख सकते हैं, खूबसूरत शैंडलियर चेक कर सकते हैं। ग्राउंड पोर्शन की जो फ्लोरिंग पे टाइल है, मिड में आपको एक मोटिव टाइप स्टाइल टाइल भी मिल जाती है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक छोटी सी लॉबी है, और ऊपर एक खूबसूरत शैंडलियर आपको मिल जाता है। राइट साइड पे बेडरूम फर्स्ट है, लेफ्ट साइड पे बेडरूम नंबर सेकंड है। बेडरूम्स के अंदर जो टाइल्स हैं वो सेम पैटर्न की है, जो लिविंग में टाइल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न की है। अब राइट साइड से हम बेडरूम फर्स्ट में एंटर होते हैं तो व्यूअर्स ये आपके पास आ जाता है इसका बेडरूम। अब बेडरूम का आप साइज़ देखें, एक्स्ट्रा स्पेस के साथ बेडरूम साइज डिज़ाइन किया गया है। बैक साइड पे आपके पास स्ट्रीट जो है उसका भी व्यू आ रहा होगा। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम प्लस सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो इस घर में कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड है। अब आपको वुडन टेक्सचर की फिनिशिंग में इसका मिल जाता है पंखा, 3 प्लेटेड फैन आपको मिल जाता है। उसके अलावा फॉल सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी शाइनी और ग्लॉसी फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है। अब बेडरूम्स में जिस पैटर्न की टाइल है उसी पैटर्न की स्कॉटिंग आपको मिल जाती है, और इस घर के जो वॉशरूम्स हैं इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी फिनिशिंग में वॉशरूम पे डिज़ाइन किए गए हैं। डबल सरीर आपको मिल जाती है, वार्डरोब सेटअप, और बिल्कुल सामने फ्रंट पे आपको मिल जाता है इसका एक खूबसूरत अटैच वॉशरूम। अब आप देख सकते हैं कंसील का मोड है, वॉल हंग एक स्लैब है, ऊपर वेनिटी इंस्टॉल की गई है। राइट साइड पे आपको कंसील शॉवर प्लस रेन शॉवर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है एलईडी वाला इसका मेन मिरर, और जो टाइल्स हैं मैं आपको क्लोजली दिखाऊँ, ये मैट फिनिशिंग की फैंसी टाइलिंग की गई है। तो ये था व्यूअर्स इस ग्राउंड पोर्शन का बेडरूम नंबर फर्स्ट। इस घर के ग्राउंड पोर्शन पे आपको 2 मास्टर साइज बेडरूम्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम्स, एक टीवी लाउंज मिल जाता है, एक किचन मिल जाता है, एक ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम, और एक डाइनिंग एरिया और एक काइंड ऑफ स्टोर रूम भी आपको अवेलेबल है। अब यहाँ से हम आते हैं बेडरूम नंबर सेकंड में। तो व्यूअर्स, इस बेडरूम की आप फॉल सीलिंग चेक करें, इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें। हर एक रूम में आपके पास काफ़ी बड़े साइज़ की वेंटिलेशन विंडो है,
जिसके ऊपर सेफ्टी ग्रिल इंस्टॉल्ड है। अच्छा सॉरी व्यूअर्स, इस घर में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। जो ये घर परचेज करेगा अलार्म सिस्टम वो इंस्टॉल करवा सकता है। उसके अलावा फॉल सीलिंग का जो आधा पैच है आपको राइट साइड की वॉल पे भी देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा फ्लोरिंग पे बड़े साइज़ की फैंसी टाइलिंग की गई है। अब इसी इस रूम में भी आपके पास बेडरूम फर्स्ट की तरह यहाँ पे ये पंखा, उधर क्या कह रहा है, पंखे को तो इधर होना चाहिए था, पंखा वॉशरूम में है तो मेरे ख्याल से कुछ काम शाम होगा। तो ये राइट और लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स आपको अगेन वार्डरोब सेटअप मिल जाता है, और उसके अलावा इसका जो अटैच वॉशरूम है सेम टू सेम बेडरूम फर्स्ट की तरह यहाँ पे भी थीमेटिक वॉशरूम है, और प्रॉपर 9 फुट तक आई गेस टाइल्स हैं, रेन शॉवर, कंसील कमोड, यहाँ का मिरर मिसिंग है वो इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स बेडरूम नंबर सेकेंड है। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, अगेन हमारे पास आ जाती है एक एंट्रेंस लॉबी, और राइट साइड पे अगेन हमारे पास सेम टू सेम वही लिविंग एरिया मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो मीडिया वॉल की बैक साइड है, इस एरिया की एंट्रेंस जो है आपको यहाँ से भी मिल जाती है, मीडिया वॉल के उस तरफ से मिल जाती है, और बाहर जो मेन ड्राइंग एरिया है वहाँ से भी सेपरेट एंट्रेंस है। अब यहाँ पे फ्लोरिंग पे जो टाइल पैटर्न है वो फैंसी शाइनिंग डिफरेंट टाइल का यूज़ किया गया है, और एक खूबसूरत शैंडलियर आपको मिल जाता है। उसके अलावा फॉल सीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंस्टॉल की गई है। राइट साइड पे वुडन बॉर्डर्स के साथ एक वॉल निश है, और उसके अलावा वेंटिलेशन विंडो आपको यहाँ पे भी मिल जाती है सेफ्टी ग्रिल के साथ, और यहाँ पे भी खूबसूरत वार्म लाइट्स के साथ जो है डिज़ाइनिंग की गई है। अब जो आपका प्रॉपर सेपरेट ड्राइंग एरिया है व्यूअर्स, वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी टाइल पैटर्न फ्लोरिंग की कम्प्लीटली डिफरेंट है, 5 प्लेटेड डबल आपके पास रॉयल कंपनी के फैंस है। अब यहाँ से आप इसका व्यू चेक करें, आपको डबल साइडेड वेंटिलेशन विंडोज़ मिल जाती हैं। इस ड्राइंग एरिया में जो फ्लोरिंग पर टाइल है वही टाइल पैटर्न स्कॉटिंग पे भी अवेलेबल है, एक खूबसूरत शैंडलियर और 2 आपको फैंस मिल जाते हैं। अब ये मेन जो एंट्रेंस लॉबी थी, यहाँ से भी इस ड्राइंग एरिया की स्पेस में जो एंट्रेंस है वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो डाइनिंग एरिया है, जो मेन लिविंग है, वहाँ से भी इसकी एक्सेस अवेलेबल है। तो ये इसकी आप एक प्रॉपर स्पेस को चेक कर लें। ग्राउंड पोर्शन का व्यूज हमने कंप्लीट विजिट कर लिया है, आस्किंग प्राइस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ड्राइंग एरिया से आपके पास ये बाहर का खूबसूरत जो घर के अंदर गार्डन है उसका व्यू है। तो ये इसकी प्रॉपर आपको नज़र आ जाती है अकोमोडेशन। और अब वापस से हम मूव करते हैं इसके मेन ड्राइंग एरिया की तरफ, और आपको जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका मैं विज़िट करवाता हूँ। तो ये आपके पास आ गया मेन व्यू, इसका अगेन लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया से ही आपके पास घर के जो ऊपर जाने की एक्सेस है उसकी स्टेयर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी मार्बल की स्टेपिंग की गई है, और उसके अलावा राइट साइड पे जो पेंट है वॉल पे कम्प्लीटली घर पूरे घर में यही वाला पेंट किया गया है। अब जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो इसका एक डिफरेंट आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये इसका हाफ द वे स्टेयर से आपको व्यू मिल जाता है, और यहाँ पे जो फ्लोरिंग पे टाइल है जिगजैग शेप में वुडन टेक्सचर की डल टाइलिंग की गई है। अब यहाँ से व्यूअर्स आप इसका फॉल सीलिंग चेक कर लें। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, सनलाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा घर कैच कर रहा है, बड़े बड़े जो आपके पास मिरर इंस्टॉल्ड हैं, और ऊपर जो स्काईलाइट का ऑप्शन है इसकी वजह से। तो व्यूअर्स, अपर पोर्शन का अगर आपको मैं मैप समझाऊं तो यहाँ पे सेम टू सेम ग्राउंड पोर्शन की तरह एक लॉबी आ जाती है। आपको ऊपर वाले पोर्शन में 3 मास्टर साइज बेडरूम्स मिल जाते हैं विद अटैच वॉशरूम, एक आपको स्टोर रूम मिल जाता है, छत की एक्सेस मिल जाती है, टेरेस वाला आपको ज़बरदस्त कमरा मिल जाता है, और सामने आपके पास है एक छोटा सा किचन। तो सबसे पहले अब हम विज़िट कर लेते हैं यहाँ पे राइट साइड बेडरूम नंबर फर्स्ट से। तो डोर की डिज़ाइनिंग पूरे घर में सेम डिज़ाइन के सेम पैटर्न के डोर्स हैं, और उसके अलावा ये आपके पास स्पेस आ जाती है बेडरूम नंबर फर्स्ट की। अब जितने भी इस घर में कमरे हैं सारे के सारे कमरों में सेम पैटर्न की टाइलिंग है, और जो वार्डरोब्स हैं सेम लेमिनेशन शीट्स की हर कमरे में आपके पास इंस्टॉल्ड है, और एक अदद छोटा फैंसी मिरर भी अवेलेबल है। इस पूरे घर में सिर्फ ये वाला वॉशरूम जो है, जो थोड़ा बहुत जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है
थोड़ा सा इस साइड से कर्व है, उसकी वजह से ये वाला जो वॉशरूम है वो थोड़ा बहुत मतलब उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया जिस तरह बाकी कमरों के वॉशरूम डिज़ाइन है। इस और इसके अलावा तमाम कमरों के जो वॉशरूम्स हैं बहुत लग्जरी तरीके से डिज़ाइन किए गए। अब ये था अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं तो सेम टू सेम ग्राउंड पोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, उसी की तरह यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक सुपर स्पेशियस मास्टर साइज बेडरूम, बेडरूम नंबर सेकंड। और सेम टू सेम यहाँ पे भी वॉकिंग क्लोजेट आपको मिल जाता है और सामने इसका एग्जॉस्ट फैन, सॉरी सामने इसका अटैच वॉशरूम। तो व्यूअर्स, घर की जो आस्किंग प्राइस है वो है 11 करोड़ रुपए, जो कि घर के ऑनर की तरफ से है, जो कि नेगोशिएबल है। आप सब देखने वालों में से किसी ने भी एक कनाल का सिंगल यूनिट ज़बरदस्त घर अगर परचेज करना है ये वाला, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम विद नंबर मेंशन है, सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस घर के जो ऑनर हैं उनके साथ आपकी फ़ेस टू फेस मीटिंग करवा दी जाएगी। तो ये एक कनाल का खूबसूरत स्पेशियस घर है जिसमें आपको इन टोटल 2, 4, 6 कमरे मिल जाते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त मेन लिविंग एरिया मिल जाता है ग्राउंड पोर्शन पे, 2 किचन मिल जाते हैं, एक ड्राइंग रूम मिल जाता है विद पाउडर रूम, और एक आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। उसके अलावा ऊपर वाले पोर्शन में सेपरेट स्टोर रूम है, ग्राउंड पोर्शन पे सेपरेट स्टोर रूम है, छत पे आपके पास कम्प्लीटली सेपरेट स्टोर रूम है विद वॉशरूम। घर में बैक साइड पे स्पाइरल स्टेयर्स भी अवेलेबल हैं, आपका कोई मेड या कुक शेफ वगैरह है तो वो छत पे रह के आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब व्यूअर्स, जिस रूम से आप एग्जिट करेंगे आपको यहाँ पे आते साथ एक बहुत ही मज़े का लुक आएगा, मतलब इस घर का जो डिज़ाइन रखा गया बहुत ही आउट क्लास है। अब यहाँ पे थ्रू आउट वुडन टेक्सचर की डल टाइल्स हैं, ये आपको एक स्पेस ऊपर मिल जाती है जैसे ग्राउंड पोर्शन में एक स्टोर रूम था या प्रेयर रूम या छोटा सा स्टडी रूम, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से छत के एक्सेस से छत पे सर्वेंट रूम है वॉशरूम के साथ, उसका विजिट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आप अगेन इसका एक व्यू देख रहे, बार बार कैमरा इधर मोड़ने का दिल कर रहा है क्योंकि जो रियल आइज से नज़र आ रहा है वो बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपको व्यूअर्स मिल जाते हैं इस पूरे घर का सबसे खूबसूरत कमरा, मतलब इसकी आप स्पेस देखें। इस कमरे में व्यूअर्स आपको इतना बड़ा है कि इनको 2 फैंस इंस्टॉल करने पड़े। उसके अलावा अच्छा, ये फ्रंट ओपन कैटेगरी का घर है, फ्रंट पे कोई घर नहीं बना हुआ लेफ्ट राइट साइड पे। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक डबल साइडेड वॉकिंग क्लोज़ेट है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका खूबसूरत वॉशरूम। अब ये इस कमरे का आप वॉशरूम देखें, इसकी टाइल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। तो व्यूअर्स, ये थी आज की नई वीडियो, आज का खूबसूरत तरीन एक कनाल का मॉडर्न घर जिसका मैंने आपको कंप्लीट विज़िट करवाया। तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।